हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, को हमसे मिला करो। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप? आज आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर पहले के ऑल खंड करेंगे। मतलब क्या ऑल खंड करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देख रहा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह एक बटे दो हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मैं लिखूँगा लेट, हल कर रहे हैं मित्रों, यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम, देखिए सॉल्व कर रहे हैं। देखिए मार्कर थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, यहाँ पर मैंने सॉल्व मैंने लिख दिया, यहाँ से लेट मैंने डाल दिया है। माना अंश बराबर कितना एक्स तथा हर बराबर वाई, ठीक है। यहाँ पर ये अंश है, अंश बराबर एक्स, यहाँ पर मैंने लेट लिखा, ये लेट और ये सॉल्यूशन है, ठीक। तो मैंने लिखा लेट अंश बराबर एक्स और हर बराबर वाई। कौन विधि चल रही है मित्रों? ये विलोपन विधि चल रही है मित्रों। कौन सी? विलोपन विधि। तो ये कह रहा है फिर यदि अंश में एक जोड़ दें, तो मैं लिख दूंगा अंश, मैं लिख दूंगा तब भिन्न बराबर एक्स बटे वाई, ठीक है। तो ये कह रहा, मैं डाल देता हूँ एक बार दिया है करके, देखिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है, जो ये कह रहा दिया है, मैंने डाल दिया है यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो देखिए क्या है, अंश तुम्हारा क्या है, देखिए अंश क्या है एक्स है ये वाला, और हर क्या है वाई है, ठीक है। तो कह रहा अंश क्या आपने, ये तो इसमें एक जोड़ दें, तो ये एक जोड़ दिया हमने, ठीक। करा तथा हर में एक घटा दे, तो हर ये तो ये घटा दिया मैंने, तो भिन्न किस में बदल जाती है, देखिए तो एक में बदल जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कैंची गुणा कर लेता हूँ, देखिए एक्स एक बटे करके कैंची गुणा, तो एक्स प्लस के एक तो ऐसे आ जाएगा बराबर वाई माइनस के एक, ठीक। इसको मैं इधर खींच लूँगा, यानी कि एक्स प्लस के सॉरी एक्स माइनस, चलो प्लस ही कर लेते हैं, एक्स प्लस के एक इधर छप दिया मैंने, ये इधर आकर माइनस का जाएगा माइनस का वाई, और ये माइनस का तो इधर जा करके प्लस के एक, प्लस का एक बराबर तो ना जीरो, ठीक है, बराबर जीरो, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस के वाई और एक और एक कितने हो जाएंगे प्लस के दो बराबर जीरो, समीकरण नंबर एक, ठीक है। चलते हैं सेकंड स्थिति पर, ये फर्स्ट स्थिति थी, यहाँ पर सेकंड स्थिति में चलते हैं। यहाँ से देखिए सेकंड स्थिति, फिर क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न पढ़ लेता हूँ। यदि हर में एक जोड़ दें तो एक बटे दो में हो जाती है, मैं लिख देता हूँ दिया है यहाँ पर डालकर दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिखा दिया है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह एक बटे दो हो जाती है। तो देखिए भिन्न अपनी यही थी पहले वाली, एक बटे एक्स बटे वाई, ठीक है। करा हर में एक जोड़ दें, हर यही दो है तो एक जोड़ दीजिए इसमें, तो एक जोड़ दिया मैंने, तो यह भिन्न कितने में बदल गई, देखिए एक बटे दो में बदल गई, ठीक है। इससे कैंची गुणा कर लेता हूँ, तो देखिए दो एक्स बराबर वाई प्लस के एक, ठीक। तो जाएगा दो एक्स माइनस के वाई और माइनस का एक बराबर जीरो, समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, देख लीजिए एक बार, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से मैंने कैंसिल करना, दो एक्स हो गया, इसकी इसमें कर दिया तो वाई प्लस के एक, ठीक है। इसे मैंने इधर खींच लिया, तो प्लस में थे दोनों माइनस में आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो, मैं चलता हूँ समीकरण नंबर दो से। या मित्रों दोनों क्वेश्चन को हम समान करते हैं, क्योंकि विलोपन विधि चल रही है। पहले मैंने टोटल खंड करके इस प्रश्नावली को टोटल सॉल्व कर दिया था मित्रों, सॉल्व करने के बाद में मेरा ध्यान आया कि क्योंकि ये विलोपन विधि करा रहा था, इसलिए मैं कल एक ही वीडियो अपलोड कर पाया हूँ, ठीक है। इसलिए क्योंकि मैंने 3.4 को मैंने संपूर्ण तरीका से प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया था, जबकि कह रहा था कौन विधि से, विलोपन विधि से। तो मैंने अब भी ध्यान आया मुझे, तो यहाँ से हम इक्वेशन देखते हैं क्या समान है या नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो
ये माइनस है ये वाला, यहाँ पे एक्स माइनस के वाई बराबर प्लस के दो और यहाँ पे दो एक्स माइनस के वाई, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा घटाने पर लिखूंगा, मतलब क्योंकि समीकरण हमें एक जैसी मिल रही हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर एक व दो को, समीकरण नंबर एक में से दो घटाने पर, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा समीकरण नंबर एक में से दो घटाने पर, तो एक ये है तो इस वाली को घटाऊंगा, ठीक है। चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस का निशान लगा क्योंकि घटाने के लिए हमसे कह रहा है वो वह, ठीक है। और यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, तो यहाँ पर ये वाली छपे की दो एक्स माइनस के वाई और माइनस का एक, ठीक है, ये मैंने छाप दिया। अब देखिए चाहे तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब ये माइनस है तो जब मैं लेने लिखा घटाने पर, तो जब घटाने पर लिखा था मित्रों यहाँ पर देखिए एक्स माइनस के वाई प्लस के दो माइनस के दो एक्स, ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो जाएगा वाई, और ये प्लस ये माइनस माइनस भी ये भी क्या हो गया ए प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से निशान बदल जाते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए, देखिए एक्स माइनस के वाई प्लस के दो, ठीक है, बराबर जीरो, ठीक है। और यहाँ पर मैं छाप देता इसके नीचे दो एक्स माइनस के वाई माइनस के एक बराबर जीरो, चाहे तो इस तरीके से लिखते मैं लिखूँ घटाने पर, तो यहाँ पर घटाने पर मैं निशान बदल दूँगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो कट जाएगा, जैसे ही देखिए यहाँ पे भी कट रहा है, ये प्लस का तो ये माइनस का, तो ये कट गया, ये तो तुम्हारा कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये, यहाँ से बताइए यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से देखिए माइनस का एक्स बच गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये प्लस के तीन बराबर क्या हो गया जीरो, तो यहाँ से देखिए एक्स बराबर कितना जाएगा तीन आ जाएगा, ठीक है, एक्स बराबर कितना जाएगा तीन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये आएगा, तो यहाँ से भी यही आ जाएगा, देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से देखिए माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ से माइनस का एक्स बच गया। अब यहाँ से देखिए ये प्लस का ये प्लस के तीन हो गए बराबर क्या चल रहा अपना जीरो, तो यहाँ पर एक्स बराबर एक्स को उधर को ले जाएंगे, तो ये जाएगा तुम्हारा चाहें तो इसका लिए तीन बराबर एक्स, ठीक है, तो एक्स बराबर तीन आ गया, ठीक है। तब भी इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं लिखूँगा एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, तो एक क्या अपनी समीकरण नंबर एक क्या ये है, तो इसमें रख देंगे, देखिए यहाँ पर एक में रखने पर, तो समीकरण नंबर ये एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे हम तीन माइनस के वाई प्लस के दो बराबर जीरो, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हुआ, देखिए यहाँ से तो यहाँ से जाएगा माइनस के वाई प्लस का एक बराबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ से वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से वाई बराबर एक हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी तुम्हारा वाई बराबर एक। मित्रों यहाँ से घटेंगे नहीं, जुड़ जाएंगे, क्योंकि तीन दो पाँच, क्योंकि ये माइनस का था, तो ये कितना हो गया मित्रों यहाँ पर पाँच हो जाएंगे, कितना पाँच, ठीक। तो भिन्न क्या थी अपनी, अभिष्ट भिन्न मैं लिखूंगा आते हैं, अभिष्ट अभिष्ट भिन्न भिन्न एक्स बटे वाई थी ना, तो एक्स के स्थान पर कितना रखेंगे हम तीन, क्योंकि यहाँ से, और वाई के स्थान पर कितना पाँच, तो ये भिन्न यह हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं सेकंड खंड पर, पहले के सेकंड खंड पर मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे आसान विधि से बताऊंगा मित्रों, एक एक चीज़ को समझाता हुआ चलूंगा मित्रों। यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डायरेक्टली नंबर हमारा डायल कर सकते हैं। आइए मित्रों सेकंड खंड पर चलते, एक बार पढ़ लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, ठीक है, प्रश्न पढ़ देता हूँ। ग्रह पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु के तीन गुनी थी, दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की दो गुनी हो जाएगी, तो नूरी तथा सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न को पीछे से पढ़ते हैं, देखिए नूरी और सोनू की आयु, तो यहाँ पर देखिए नूरी और सोनू की आयु, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉल्व करते हैं यहाँ सवाल को, देखिए सॉल्व मैंने लिख दूंगा लेट, लेट मीन्स माना, ठीक है, मैं लिख दूंगा नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, ठीक। तो यहाँ पे फिर लिखूंगा मैं सोनू की आयु क्या, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष, ठीक है। तो वो कर रहा है देखिए पाँच वर्ष बाद नूरी की आयु, मैं यहाँ पर देखिए पाँच वर्ष बाद, फर्स्ट कंडीशन में चल रही है मित्रों, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो पाँच वर्ष बाद दिया करके मैं डाल देता हूँ, देखिए पाँच वर्ष की बात करा कर रहा, पाँच वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी, तो देखिए पाँच वर्ष बाद, पहले पाँच वर्ष का मामला चलता है, ठीक है, पाँच वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पाँच वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की
आयु कितनी है, देखिए मैं कहने लगा मेरी आयु 40 बरस है, इस समय 40 बरस है, ठीक है, मैं कहने लगा मेरी आयु आज 40 बरस है, ठीक है, मैं कहने लगा 5 साल बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, आज मेरी 40 बरस है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी बताइए, आप जोड़ोगे घटाओगे, सीधी सी बात मित्रों, क्या करोगे बताइए, जोड़ेंगे मित्रों, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो मित्रों मेरी आयु 40 वर्ष थी, 40 वर्ष, और मैंने 5 वर्ष बाद, आज मेरी 40 वर्ष हो रहा है, मैं 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी मित्रों, 35 वर्ष बाद, बाद का मतलब मित्रों बताइए, बाद का मतलब देखिए, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जोड़ देंगे प्लस कितना हो जाएगी, 45 वर्ष, ठीक है, आज मेरी उम्र कितनी है, 40 वर्ष है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष, ठीक है, और मैं कहने लगा मेरी उम्र आज 40 वर्ष है, तो मैं कहने लगा 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 वर्ष पहले या पूर्व, ठीक है, पहले या पूर्व, तो कितनी हो जाएगी बताइए, घटा देंगे तो यहाँ पर 35 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पार नूरी की आयु, यानी कि नूरी की जो वर्तमान आयु है मित्रों एक्स वर्ष है, और मैं कहने लगा 5 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, बाद या पूर्व, ठीक है, बाद या पूर्व की बात कर रही है, बाद या पूर्व एक ही बात होती है, तो हो जाएगी तुम्हारी एक्स वर्ष, तो उसकी वर्तमान आयु है, जब इसमें से एक्स में से तुम 5 निकालोगे तो एक्स माइनस के 5 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, एक्स माइनस के 5 वर्ष, ठीक, अपने आप को लेकर के चलिए, मैं लिखूंगा तथा 5 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर वाई माइनस के 5 वर्ष, ठीक है, वाई माइनस के 5 वर्ष, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए दिया करके डाल दूंगा गिविन, गिविन दैट दिया है कि, ठीक है, गिविन दैट, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो देखिए मैंने लिखा 5 वर्ष बाद या पूर्व, बाद या पूर्व मतलब एक है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो देखिए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद के लिए अपने बाकी ये हो गए, तो किसकी आयु, नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी है, एक्स माइनस के 5, ठीक है, फिर लगेगा बराबर, ठीक है, तो फिर कह रहा नूरी की आयु सोनू की आयु, तो सोनू की आयु लिख देते हैं वाई माइनस के 5, ठीक, सोनू की आयु की 3 गुनी, गुनी का मतलब गुणा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे मैं 3y और माइनस के 15, ठीक है, और x माइनस के 5 ऐसे चल रहा, तो x माइनस के 5, तो यह बाकी इधर खींच लेंगे माइनस के 3y और ये माइनस का था इधर के प्लस के 15 बराबर कितना 0, ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस के 3y और यहाँ पर प्लस के कितना देखिए 10 बराबर कितना हो जाएगा 0, समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी 1। आगे सेकेंड स्थिति पर चलते हैं, सेकेंड स्थिति पर देखिए आगे क्या करते हैं पक्के में, तो देखिए फिर बाकी क्या कह रहा बाद में, ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मीन्स बाद में, पश्चात पश्चात मीन्स बाद में, ठीक है, तो कह रहा नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो मित्रों 10 यहाँ 5 की 5 वर्ष की जगह कितना करना है हमें 10 वर्ष करना, क्या हुआ 10 वर्ष बाद, वाक्य सेम वही है, 5 के स्थान पर क्या बैठाना हमें 10 बैठाना, तो यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात पश्चात पश्चात, ठीक है, पश्चात मीन्स बताइए पश्चात का क्या मतलब है, तो यहाँ पर गलती हो चुकी है, बाद का मतलब बाद ही है, मतलब पूर्व मीन पूर्व कहते हैं पहले को, ठीक है, तो यहाँ पे या को हटा दीजिए इसमें, बस ये थोड़ा गलती हमसे हो चुकी है, 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब घटाना, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया आज मेरी उम्र 40 वर्ष है और 5 वर्ष बाद कितनी, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी बताइए, तो इसमें घटा देंगे हम 40 में से जो पीछे 35, ठीक है, अब वो करा पहली, अब 10 वर्ष पश्चात, पश्चात की बात कर रहा है इस समय, ठीक है, पश्चात, तो यहाँ पर हमने जो लिखा था 5 वर्ष बाद, इस तरीके से जो मैंने लिखा था यहाँ पर 5 वर्ष बाद, बाद नहीं है मित्रों ये 5 वर्ष बाद नहीं था मित्रों, ये तुम्हारी किताब में जो दिया था पूर्व दिया था, क्या 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व मीन्स पहले, जैसे मैं कह लगा मेरी उम्र आज 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, पूर्व मीन्स पहले, तो यहाँ पर 35 वर्ष हो जाएगी, कितनी 35, यहाँ पर मेरे थोड़ा समझाने में गलती हो चुकी थी, यहाँ पर आप डाल लीजिए 5 वर्ष पूर्व की जगह,
वो बाद की जगह पूर्व कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने बाकी सब कुछ वैसा वही था जो एक्स माइनस के वाई था अनुकर, इस प्रकार से एक्स माइनस के पाँच जो था वो तो सेंटेंस सही लिखा था, मैंने यहाँ पर बात कर दिया क्योंकि मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इस जगह, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ दिया है पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सोनू की आयु की तीन गुनी, तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व मीन्स पहले दिया, ठीक है। तो पूर्व का मतलब होता है मित्रों, पूर्व का मतलब होता है पहले, क्या पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, ठीक है। तो अब चलते हैं पश्चात के बाद, पश्चात कहते हैं बाद को, ठीक है। फिर ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, मैं लिखूंगा यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात, पश्चात या बाद, बाद, ठीक है। ये दिया है तुम्हारी किताब में, ठीक है, दिया है करके मैंने डाल दिया है, दिया है। तो मैं लिखूंगा 10 वर्ष चात नूरी की आयु एक्स माइनस, यहाँ पर पश्चात मीन्स होता है बाद में। जैसे मान लीजिए मैंने आज मेरी उम्र कितनी 40 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो इसमें जोड़ देंगे हम, 10 जुड़ जाएगा, ठीक है, इतने वर्ष हो जाएगी, ठीक है। वर्ष मैंने लिखा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, वाई प्लस के 10 वर्ष, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखिए फिर क्या करते हैं हम, मैं जो इसमें लिख रखा है उसे डाल देता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु कितनी है 10 वर्ष पश्चात, नूरी की आयु कितनी है, देखिए 10 वर्ष तो यही, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु कितनी होता है, नूरी की आयु कितनी है एक्स माइनस के 10 है, ठीक है, एक्स माइनस के 10, माइनस नहीं प्लस है, ठीक है, बराबर सोनू की आयु वाई प्लस के 10 कितनी गुनी हो जाएगी, दो गुनी, तो गुणा यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स प्लस के 10 हो गया, अब ये बराबर 2y और प्लस के यहाँ पर 20, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पर एक्स प्लस के 10 और माइनस के 2y और माइनस के 20 बराबर कितना 0, ठीक है, एक्स माइनस के 2y और यहाँ पर माइनस के 10 बराबर कितना 0, ठीक है। तो देखिए ये आ गया यहाँ पर, ये मैंने इन चीज़ों को ले लिया है यहाँ से, देखिए, और ये वाली चीज़ों को मैंने यहाँ से ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ से 10 ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस 10 बच के समीकरण नंबर हो जाएगी 2, ठीक, ये वाली, ठीक है। आप देख रहे होंगे एक्स बिल्कुल 7 है, तो इसमें मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर एक ये है, इसमें से इस वाली समीकरण को घटा दूंगा मैं, देखिए एक्स माइनस के 2y और माइनस के 10, ठीक है, मैं इस वाले छाप देता हूँ एक्स माइनस के 3y प्लस के 10, ठीक है, बराबर 0, बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर हमें घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये तुम्हारा कट जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ से वाई बच गया, और यहाँ से देखिए माइनस कितने हो गए, 20 हो गए, बराबर जी चल रहा था, ये वाई बराबर कितना आएगा, 20 हो गई, वाई बराबर कितना आएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर वाई बराबर कितना आ गया अपना 20 आ चुका है, ठीक है, मैं लिख दूंगा वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, मैं देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, तो देखिए मैंने लिखा वाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2 अपनी इक्वेशन यही है, तो एक्स वैसे ही है, 2 वैसे ही है, वाई के स्थान में रखना हमें 20 रखना है, ठीक है, माइनस के 10 भी वैसे ही है, तो माइनस के 10 भी वैसे ही है, तो यहाँ पर एक्स माइनस के कितना 20 दूनी 40 हो गया, और माइनस के 10 बराबर 0, ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो गया, देखिए 30, ये कितना हो जाएगा माइनस के 50 हो जाएगा, कितना माइनस के 50, ठीक है, बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इसकी उम्र आ चुकी है, नूरी की आयु कितनी आई है ये इतनी, और सोनू की आयु कितनी आई है 20 वर्ष, ठीक है। चलते हैं अगले खंड पर, देख लिए, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, देखिए एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए आप। आशा करता हूँ कि आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ, देखिए क्या करा हो रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की जो संख्या है उसके अंक जो होते हैं उनके अंकों का योग कितना है, 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैं लिख दूंगा लेट, पहले सॉल्व कर रहे हैं हम,
लेट, मैं लिखूंगा इकाई का अंक, क्या इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर कितना एक्स, दहाई का अंक, अंक बराबर वाई, ठीक। तब संख्या मैं लिखूंगा, तब संख्या, यहां पे लिख देता हूं तब संख्या, दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए दो अंकों की संख्या होती है मित्रों जैसे एक दो तीन चार, तो ये एक 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 अंक की संख्या है, ये जैसे ही दस आएगा ये दो अंकों की संख्या हो जाएगी, बारह एक निन्यान, यानी कि निन्यानवे तक ये कितनी चलेगी, दो अंकों की संख्या हो जाएगी, तो फिर सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, दस हो जाएगी, तो यहाँ पर मैंने लिखा तब संख्या, तो यहाँ पर जाएगा दस एक्स प्लस के वाई, ये हो जाएगा मित्रों एक्स नहीं मित्रों, ये यहाँ पर जो सेकेंड है इकाई, तो ये हो गया पूरा इकाई, ठीक है, दहाई ये हो जाएगा तुम्हारा, दहाई का अंक कितना अपना, दहाई का अंक वाई है, तो यहाँ पर ये एक्स, ठीक है, तो इकाई दहाई ये पूरा जो है एक संख्या हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी तुम्हारी संख्या दो। अब फिर यहाँ से देखिए क्या करा, प्रश्न पढ़ लेता हूँ, मैंने लिखा दिया है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो ये तुम्हारी किताब में दिया है, देखिए तो यहाँ पर लिख रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या दोगुनी हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए संख्या दोगुनी हो जाती है, दोगुनी को छोड़िए पहले संख्या, कौन सी वाली संख्या, ए वाली जो दो अंकों की संख्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देखिए संख्या के, तो यहाँ पर दस वाई प्लस के एक्स को पलटने से, तो यहाँ पर पलट दूंगा मैं, दस वाई के स्थान पर क्या आ गया, यहाँ पर एक्स आ गया और एक्स के स्थान पर वाई आ गई, ठीक है, ठीक है। फिर क्या करा इसके बाद में, देखिए पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या दोगुनी हो, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर करा एक बार और डाल देता हूँ मैं, देखिए तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा दिया है, इस संख्या का नौ गुना, कौन संख्या का, इस संख्या का नौ गुना, संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना, ठीक है, इस संख्या का नौ गुना, तो यहाँ पर दस वाई प्लस के एक्स, तो इसका नौ गुना, गुना मतलब गुना बराबर, और इसका कितना हो जाएगा दो गुना, एक्स प्लस के वाई, इसका कितना हो जाएगा दो गुना, ठीक है, इसकी मैं अंदर गुणा कर लेता हूँ, देखिए साफ साफ दे रखा है, इसमें कोई ज़्यादा ज़्यादा समझने की कोई बात नहीं है, ठीक है, साफ साफ दे रखा, एक बार आप कर लेंगे तो सवाल को फिर भूलेंगे नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसकी गुणा अंदर कर लेता हूँ, ये होगा नब्बे वाई प्लस के नौ एक्स, ठीक है, ऐसे ही मैं इसकी कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बीस एक्स, क्योंकि और ए प्लस के दो वाई, ठीक है, सब चीज़ को मैं इधर को खींच लेता हूँ, देखिए तो ये जाएगा तुम्हारा नब्बे वाई प्लस के नौ एक्स, वैसे ही बैठा माइनस के यहाँ पे बीस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस के दो वाई बराबर कितना बच गया जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाई वाई वाले ले लेते हैं, देखिए ये चीज़ों को, तो यहाँ से देखिए एक्स एक्स वाले ले लेंगे ये चीज़, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नब्बे में से जब आप दो निकालोगे तो यहाँ पर अठासी वाई बच जाएगा, अठासी वाई, ठीक है, अब यहाँ पे जब इसमें से जब आप निकालेंगे नौ, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस के ग्यारह एक्स बच जाएगा, और बराबर कितना बचेगा जीरो, ठीक है, क्योंकि नब्बे में से ये मैंने दो निकाले तो अठासी बच गए, ऐसे ये बच जाएगा, तो यहाँ से देखिए मैं ग्यारह बाहर ले लेता हूँ, कितना मैं ग्यारह बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से ग्यारह मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर आठ वाई बच जाएगा, और माइनस के यहाँ पर एक्स बराबर कितना जीरो, तो यहाँ से आठ वाई माइनस के ए माइनस के एक्स बराबर कितना जीरो, क्योंकि ये तो ग्यारह नीचे पहुँच जाएगा, इस तरीके से जीरो बन जाएगा ये, तो यहाँ से जाएगा तुम्हारा आठ वाई माइनस के एक्स बराबर कितना जीरो, तो यहाँ पर तुम्हारा बताइए, तो यहाँ पर मैं इसे शुद्ध रूप में, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, या शुद्ध रूप में लिख लूँगा, देखिए देखिए यहाँ से मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखिए किस तरीके से लिखा मैंने यहाँ पर, ये देखिए आठ वाई माइनस के एक्स बराबर जीरो, ठीक है, इसे मैं थोड़ा अलग और टाइप से लिख लेता हूँ थोड़ा सा, तो देखिए मैं उस चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस का एक्स प्लस के आठ वाई बराबर जीरो, तो समीकरण नंबर हो जाएगी अपनी एक ये, ठीक है, और चलते हैं आगे, फिर ये क्या करा, देखिए एक वाक्य और छपा हुआ इसमें अभी, तो ये करा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की जो संख्या थी उसके अंकों का योग, मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैं दिया करके डाल देता हूँ, पहले मैं दिया है, क्या दे रखा देखिए इसने, देखिए मैंने लिखा यहाँ पर दिया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग नौ है, तो यहाँ पर दो अंकों की जो संख्या थी अपनी एक्स, इकाई का अंक उसमें एक्स था, दहाई का अंक कितना था वाई, तो बराबर कितना नौ, इकाई का जो अंक था ये था और दहाई का अंक जो था ये था, तो समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, पहला जो मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर एक व दो को जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के एक्स प्लस के आठ वाई बराबर कितना जीरो, ठीक है, तो एक्स प्लस के वाई बराबर कितना नौ,
तो यहाँ पर जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर कुछ नहीं होता, ना ही चल बदलते, कुछ भी नहीं होता। तो ये तो कट गया, तो यहाँ पर कितना, नौ वाई बराबर कितना, नौ, तो वाई से नौ से नौ गया, तो वाई बराबर कितना आएगा, एक। ठीक है, लिख दूंगा वाई का मान, वाई का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, ठीक है, एक क्या ये है, तो माइनस का कितना हो गया, देखिए एक्स बचा ही है, और प्लस आठ गुणा वाई के स्थान पर एक बराबर कितना, जीरो। तो यहाँ पर माइनस के एक्स और प्लस के आठ बराबर जीरो, तो यहाँ पे ये एक्स को डले जाएंगे, आठ आ जाएगा बराबर एक्स, तो एक्स का स्थान ये आएगा। अब जो संख्या हो जाएगी, बताइए संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए मैं लिख दूंगा मूल संख्या, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, मूल संख्या लिख दूंगा, आते हैं यहाँ, हैंस मूल संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दस एक्स, दस वाई प्लस के एक्स ये था ना, तो दस वाई के स्थान पर कितना आया, देखिए वाई के स्थान पर एक आया था, गुणा वो एक प्लस के कितना, दस एक्स के स्थान पर दस आया है तुम्हारा, दस नहीं मित्रों, यहाँ पर कितना आया है, आठ आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आठ रख दूंगा, तो यहाँ पर दस प्लस के आठ, तो कितना आया, अठारह। तो वह संख्या कितनी थी, अठारह थी। ठीक है, दो अंकों की संख्या जो थी वह अठारह थी। आइए तीसरे चौथे खंड पर चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा एक रहा, मीना, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, कितने रुपए निकालने के लिए गई मीना, 2000 रुपये। तो ये कह रहा उसने खांची जी से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना नाम की कोई लड़की थी, वह बैंक गई, बैंक से 2000 रुपये निकालने के लिए गई। मीना नाम की लड़की जो बैंक गई थी, वो 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी, उसने 2000 रुपये के जो रुपये नोट थे, उसने 50 50 रुपये और 100 100 रुपये के नोट मांगने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, मैं लिखूंगा लेट, लेट मीना ने 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई है तब। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन डाल के, एस ओ एल सॉल्व डाल के मैंने लिखा लेट 50 रुपये वाले नोटों नोटों की संख्या क्या बराबर एक्स। ठीक, 50 रुपये वाले नोटों, ये नो है मित्रों, यहाँ पर नोटों की संख्या तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर वाई। ठीक, अब यहाँ से देखिए फिर क्या कह रहा है, बताइए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम फिर। तो कुल नोट कितने प्राप्त किए उसने, 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा दिया है डाल कर, दिया है, तो यहाँ पर मैंने दिया है डाल दिया, कुल नोट प्राप्त किए, कुल नोट प्राप्त, तो यहाँ पर क्या करा, देखिए मैं प्रश्न जो दिया है उसे सेम डाल देता हूँ, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यहाँ पर मीना ने, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मीना, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा मीना ने कुल नोट प्राप्त किए कितने, एक्स प्लस के वाई बराबर कितने प्राप्त किए, 25। ठीक है, तो समीकरण नंबर अपनी एक हो जाएगी। ठीक है, मीना ने कुल नोट प्राप्त किए, 100 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स मानी थी हमने, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी वाई मानी थी, और कुल नोट कितने प्राप्त किए थे उसने, 25। मीना ने कुल नोट 25 प्राप्त किए। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें लिख दिया, क्योंकि 50 रुपये 100 रुपये के नोटों की जो संख्या थी उसने कितने नोट प्राप्त किए, 25, और मांगे कितने थे उसने, 2000 रुपये। ठीक है, फिर और आगे चलते हैं, देखिए प्रश्न क्या कह रहा, ये कह रहा है 100 रुपये और 50 रुपये के नोटों की कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, और देखिए एक लाइन और लिखेंगे यहाँ से हम, मैंने लिखा यहाँ पर मीना ने 2000 रुपये के नोट निकालने के लिए कहा, 2000 रुपये के नोट कितने कितने के मित्रों, 50 रुपये के एक्स और 100 रुपये के कितने वाई और बराबर कितना है, 2000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, क्योंकि 50 रुपये के जो कितने नोट मांगने की कोशिश की थी इसने, 50, 100 रुपये के नोट जो मांगने को उसी बिंदी की थी 100। ठीक है, तो बराबर कितना, 2000 रुपये। तो समीकरण, तो यहाँ से मैं थोड़ा इसमें से 50 पहले बाहर ले लेता हूँ, देखिए एक्स प्लस के 2y, क्योंकि 50 का पहाड़ा 100 में 2 बार जाता है बराबर 200, 200 ने 2000। ठीक है, इससे कितने बार का, 10, और इससे
पाँच से कितनी बार गया बीस, चार बार, तो ये 40 आ जाएगा। तो एक्स प्लस के दो वाई बराबर कितना 40, ठीक है। समीकरण नंबर हो जाएगी सेकंड, ठीक है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, मैं लिखूंगा समीकरण नंबर एक में से दो को घटाने पर। यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए समीकरण नंबर एक को दो को दो एक को दो में से घटाने पर, ठीक है। तो देखिए कर देते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा समीकरण नंबर एक को दो में से घटाने पर, तो मैंने यहाँ पर दो पहले छाप लिया, समीकरण नंबर एक को बाद में छाप लिया। और यहाँ पर देखिए चिन्ह यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर मैंने माइनस का लगा दिया, हम प्लस का था हम माइनस, और यहाँ प्लस का था हम माइनस, ठीक है, क्योंकि घटाने में चिन्ह टोटल बदलते हैं, ठीक है। तो ये तो एक जैसे तो कट गई है, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाई बचा, और यहाँ पर देखिए यहाँ से कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा, क्योंकि 40 में जब 25 निकालोगे तो 15 बच गया, ठीक है। तो वाई का मान तो आपके सामने आ गया होगा, देखिए अब मैं लिख दूंगा इस वाई के मान को, वाई का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक है। तो एक क्या अपनी यही हो जाएगी, तो एक में रखने पर, तो x प्लस के 15 बराबर कितना 25, तो x बराबर 25 माइनस के 15, तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, देखिए x बराबर कितना आएगा 10, ठीक है। तो देखिए 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी थी, 10 थी, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी थी, 15 थी, ठीक है। जब भी उसने 2000 रुपये निकाले तो बैंक से जो 50 रुपये के जो नोट थे वह कितने थे, 15 थे, और 100 रुपये के जो नोट थे वह कितने थे, 100 रुपये के नोट कितने थे, 15, और 50 रुपये के नोट कितने थे, 10, ठीक है। आइए पांचवें खंड पर चलते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया कि नियत किराया है, कोई पुस्तकालय है, नियत किराया है कितने दिन का, प्रथम 3 दिन का किराया नियत किराया, इसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तकालय में 5 दिन तक किताब रखने के लिए 21 रुपये अदा किया, नियत किराया था प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सॉल्व, यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं हम, यहाँ से सॉल्व मैंने डाल दिया यहाँ से, और मैंने लिखूंगा यहाँ से लेट मीन्स माना 3 दिन का नियत किराया बराबर एक्स रुपये, ठीक है। 3 दिन का अतिरिक्त, देखिए ये चीज़ उसमें दे रखी है तुम्हारी पहली लाइन में, किराया पुस्तक बिकने वाले किराया पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया, तीन दिन का प्रथम नियत किराया, ठीक है। ये आपने लाइन में दे रखा, दूसरे वाक्य में दे रखा इसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, मैं लिखूंगा यहाँ पर तथा इसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया वाई रुपये, ठीक है। अगर आप तथा इसके प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया यहाँ पर मैं लिखूंगा तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया वाई रुपये है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर इसके बाद में देखिए क्या करा वो देखिए सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ये पहले दिया है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पर दिया है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ये तुम्हारे वाक्य दे रखा तुम्हारी किताब में, ठीक है। तो सरिता ने 7 दिनों तक, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सरिता ने 7 दिनों तक, तो मैं यहाँ पर 3 दिन नियत करा, 3 दिन का नियत किराया प्लस 4 दिन, 4 दिन 7 होते हैं ना, 4 दिन प्रत्येक दिन का किराया, 4 दिन का अतिरिक्त किराया
ठीक है, कितने रुपए है, 27 रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिन का अतिरिक्त किराया कितना, देखिए एक्स रुपये, तो यहाँ पर मैंने एक्स रख दिया, प्लस 4 दिन का प्रत्येक दिन का, प्रत्येक दिन का किराया कितना, 1 दिन का वाई, 2 दिन का 2 वाई, 3 दिन का 3 वाई, 4 दिन का 4 वाई, बराबर कितना, 27 रुपये। तो समीकरण नंबर कितनी जाएगी, 1, ठीक है। फिर देखिए फिर आगे क्या करा, ये बाकी है, इसके बाद में फिर इसके उकरा है, जबकि सुशी ने एक दिन एक पुस्तक रखने के लिए 5 दिनों का किराया किस रुपये अदा किया। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा दिया है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। मित्रों यहाँ पर मैंने जो वाक्य है वही वाक्य मैंने देख करके छापा है, इससे कुछ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर देखिए सुशी ने 5 दिनों तक, तो 3 + 2 में तोड़ लेंगे इसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा सरिता ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया, तो मैंने लिखा 3 दिन का नियत किराया प्लस 2 दिन का अतिरिक्त किराया, 3 × 2 = 5 होते हैं, ठीक है। तो इसका एक्स होता अपना, इसका 2 वाई होता है, बराबर कितने, 21 रुपये। तो समीकरण नंबर हो जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पर बस सेम वही करते चले जाते हैं जो होता है। देखिए समीकरण नंबर ये बिल्कुल सेम सी है, ठीक है। तो मैं लिख दूँ समीकरण नंबर 1 / 2, समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, तो देखिए घटाने पर चिन्ह प्रॉपर्टी बदल जाती है, मैंने सब अपोजिट चिन्ह कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कट गया, ये कट गया, देखिए। तो यहाँ पर वाई बचा, और यहाँ से कितना देखिए, यहाँ पर कितना बचा देखिए, 21 में जब ये 6 बच जाएगा, ठीक है। मैं लिख दूंगा वाई का मान, वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने, तो मैंने लिखा वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने। तो ये क्वेश्चन ये थी अपनी, तो यहाँ पर एक्स प्लस के 6 + 18 प्लस के एस प्लस नहीं बराबर 27, तो एक्स बराबर 27 माइनस के 18, तो यहाँ से कितने बचे बताइए, तो यहाँ से कितने बच जाएंगे बताइए, एक्स बराबर, तो देखिए यहाँ से, तो यहाँ से बच जाएंगे 9, कितना 9, एक्स बराबर 9, ठीक है। प्रथम 3 दिन के किराया कितना था, तो देखिए समीकरण ये नहीं थी मित्रों, पहली समीकरण क्या थी मित्रों, यहाँ पर 4 था, ये थी एक्स प्लस के 4 वाई, ठीक है। क्योंकि 3 दिन का नियत किराया था, यहाँ पर इक्वेशन ये हो जाएगी 4, तो यहाँ पर जब 4 में से जब तुम 2 निकालोगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो इससे कितनी बार गए, 3 बार गए, तो वाई बराबर कितना आएगा, 3, इसे कितने कितने पर रखने पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 3 रखेंगे, तो यहाँ पर ये 4 है, ठीक है। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 12, जब ये प्लस हो जाएगा माइनस का होएगा ये, यहाँ पर देखिए 27 में जब 12 निकालोगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, देखिए यहाँ पर जब 27 में से आप लोग 12 निकालोगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 5 बच गया, यहाँ से कितना बच गया, 5, और यहाँ से कितना, 1, 15 बच गया, कितना बच गया, 15, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 15। प्रथम 3 दिनों का किराया था 15 रुपये, और जी प्रथम 3 दिनों का किराया 15 रुपये, और जी 3 दिनों का अतिरिक्त किराया 15, 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपये, और जी प्रत्येक दिन का नियत किराया कितना था, 3 रुपये, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ, देखिए क्या करा सवाल ये। तो देखिए उकरा प्रश्न में पढ़ लेता हूँ, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 में हो जाता है, तो यह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रथम संख्या एक्स तथा दूसरी संख्या वाई, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, 2 संख्याएं अनुपात में हैं, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर दिया करके डाल देता हूँ मैं, ग्रह 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, तो देखिए ये संख्याएं अनुपात में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स अनुपात वाई बराबर कितना, 5:6, तो मैं इस चीज़ को एक्स बटे वाई बराबर 5/6 लिख सकता हूँ, ठीक है। कैंची गुणा कर लूँगा, तो यहाँ से देखिए 6x बराबर कितना दे जाएगा, 5y, ठीक है। तो यहाँ पर 6x माइनस के 5y बराबर 0, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। मैंने इसकी 6x हो गया, और इसकी समीकरण में तो 5y, तो ये 5y प्लस का तो जैसे जाएगा माइनस हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए और पढ़ता हूँ मैं, यहाँ से क्या करा, ये करा, यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए, तो देखिए मैंने यहाँ पर दिया करके डाल दिया, ये करा, यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए तो यह 4:5 हो जाता है। देखिए ये मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है, जो सवाल में दे रखा वही छाप दिया, ठीक है। प्रत्येक मतलब इसमें से, ठीक है, प्रत्येक में से क्या घटा दिया जाए, 8 घटा दिया जाए, तो यहाँ में से देखिए इस वाली चीज़ में से, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स में से भी 8 घटा दें और वाई में से भी 8 घटा दें, तो अनुपात कितने में बदल जाता है, देखिए 4:5 में बदल जाता है, ठीक है। तो इसे मैं लिख दूंगा 8, यानी कि यहाँ पर देखिए
एक्स माइनस के ये और वाई माइनस के आठ, ठीक है, बराबर कितने बदल गया, 4:5 में, ठीक है। तो इसकी मैं कैसे गुणा कर लेता हूँ, देखिए एक बार, तो यहाँ से देखिए 5x और माइनस के 40, कितना 40, इसकी गुणा इसमें कर लेंगे तो 5x और 5 8 40, इसकी इसमें कर लेंगे बराबर, तो देखिए यहाँ पर 4y और माइनस के 8 4 32, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस के 40 माइनस के 4y और प्लस के 32 बराबर 0, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने इधर को खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 5x माइनस के 4y और प्लस के, यहाँ से देखिए यहाँ से कितना बचा, यहाँ से देखिए 8 बच जाएंगे बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर एक ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये होगी, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन ये होगी, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6x है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बताइए क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप थोड़ा दिमाग लगाइए, आप देख रहे हो दोनों अपोजिट है, यहाँ पर 5 है तो वहाँ पर 6, यहाँ पर 6 है तो यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 6 है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ से, देखिए देखिए समीकरण एक इक्वेशन ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये 6 है और यहाँ पर कितना 5 है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर किस में, एक में 6 से नहीं मित्रों, एक में करेंगे हम 5 से, कितने से 5 से इक्वेशन, देखो मैं यहाँ पर बटा देता हूँ इसे भी, यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ समीकरण नंबर एक में किससे 5 से तथा समीकरण नंबर एक में पाँच से इस वाली में 5 से गुणा कर देंगे और दूसरी वाली में 6 से गुणा कर देंगे। देखिए गुणा करके यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए एक में किससे करेंगे हम, इस वाली ये वाली एक है तो इस एक में कितने से करेंगे, देखिए 5 से, तो 5 6 30x और 25y और बराबर 0, ठीक है। अब इसमें किससे करवा रहा है, 6 से, तो 6 5 30x हो जाएगा माइनस के 6 6 24y और बराबर 6 8 48, तो यहाँ से घटा देंगे, घट गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ घट गया तो कट गया। तो यहाँ पर देखिए कितने बच गए, यहाँ पर देखिए y बच जाएगा वो भी माइनस के, और यहाँ पर कितने बच गए देखिए 48, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 24 है ये माइनस के 25, तो यहाँ पर y बराबर कितना बच गया 48, ठीक है, y बराबर कितना, तो यहाँ पर माइनस को हम क्या करेंगे, देखिए माइनस को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, तो y बराबर कितना आएगा 48, ठीक है, y बराबर कितना आएगा 48, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के क्यों, क्योंकि माइनस का 48 है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस चला जाएगा तो y बराबर 48, ठीक है। y का मान समीकरण नंबर एक में रखता हूँ, मैं लिखूँगा y का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर देखिए समीकरण नंबर एक में, तो यहाँ पर देखिए, तो मैं देखिए यहाँ पर रख देता हूँ देखिए, तो यहाँ पर 6 x माइनस के 5 वाई के स्थान पर, देखिए कितना वाई के स्थान पर कितना आएगा, देखिए 48 बराबर 0, ठीक है। तो 6x बराबर, तो 5 8 40 की 0, 5 6 20, 20 4 24 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ बराबर ये माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 6 से काट देंगे, 6 चौका 40 बार, तो x बराबर कितना आएगा 40। तो वह संख्या की प्रथम संख्या x होगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों 48, ठीक है। मित्रों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए क्या करा, समीकरण एक्स बटे 10 प्लस वाई बटे 5 माइनस के 1 बराबर 0 और एक्स बटे 8 प्लस वाई बटे 6 बराबर 15 के युग्म का हल कीजिए, इसके बाद लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए यदि वाई बराबर लैम्डा एक्स प्लस के 5 है, ठीक है। तो पहले मैं समीकरण छाप लेता हूँ, देखिए, तो यहाँ से देखिए मैं कैंची गुणा कर लेता हूँ, देखिए हल सॉल्व तो हम शुरू से ही कर रहे थे सॉल्व, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 5x प्लस के, सॉरी मित्रों यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, देखिए एलसीएम ले लिया तो मैंने यहाँ पर 10 ही एलसीएम जाएगा, एक्स भी वैसे ही है प्लस के वाई भी ऐसा ही है और माइनस के एक भी ऐसा ही है बराबर 0 भी वैसा ही है, ठीक है। तो इसमें मैंने 10 से मैंने 10 को भाग दे दिया तो कितनी बार जाएगा गुणा, एक बारी में, ठीक है। 5 से भाग दिया तो कितनी बारी में जाएगा गुणा, दो बारी में, ठीक है। इसके बटे कुछ नहीं, एक बार करके, ठीक है। इस एक से जब मैं 10 को भाग दूंगा तो गुणा कितना आएगा, 10 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स प्लस के 2y और माइनस के कितना 10 बराबर
ना जीरो और बटे यहाँ से ना दस, ठीक है, एक बटे कैंची गुणा इसकी इसमें कर लेंगे, इसकी कर लेंगे, तो यहाँ पर एक्स प्लस के दो वाई माइनस के दस बराबर ना जीरो, ठीक है, समीकरण नंबर हो जाएगी एक। ठीक, अब दूसरा छाप लेते हैं, देखिए, तो देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ मैं, इन दोनों को हो जाएगा तुम्हारा, एलसीएम ले लेता हूँ मैं, छः का और आठ का एलसीएम ले लिया मैंने, तो दो तिया छः, दो चौका आठ, ठीक है, दो का पहाड़ा मैंने, दो तिया छः, दो चौका आठ, तो यहाँ पर चार तिया बारह, दूनी चौबीस एलसीएम आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स भी वैसे ही है प्लस के वाई भी वैसे ही है, ठीक है ना, बराबर पंद्रह भी वैसे ही है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए इससे मैं इसे भाग दूंगा, आठ तिया तो तीन बारी मारा, ठीक है, इससे छः में छः छः तिया आठ नौ आठ सोलह आठ तीन चौबीस और छः चौका, यहाँ पर चार बारी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर तीन एक्स प्लस के चार वाई बटे चौबीस बराबर कितना पंद्रह, ठीक है, एक बटे करके कैंची गुणा कर लूँगा, यहाँ पर तीन एक्स प्लस के चार वाई बराबर कितना पच्चीस, वो पंद्रह 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 चौका साठ की जीरो और पंद्रह दून तीस, तीस छः छत्तीस, तीन सौ साठ आएगा, समीकरण नंबर दूसरी हो जाएगी ये, ठीक है, चलते हैं और आगे, तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर पहला ये है, दूसरा ये है, तो देखिए यहाँ पर तीन होना चाहिए जब समीकरण एक जैसी होगी, मैं लिखूँगा समीकरण नंबर एक में तीन से गुणा करने पर, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है समीकरण नंबर एक में तीन से गुणा करके घटाने पर, तो मैंने घटा का निशान लगा दूंगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, कट गया ये, तो अब यहाँ से देखिए माइनस के दो आई बच गए यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा तीन सौ पचास माइनस का, ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा वाई बराबर, ये कट जाएगा पूरा कितने, यहाँ पर कट जाएगा पैंतीस का एक सत्तर, ठीक है, तो दो दो ही कहना दो, दो सत्तर चौदह, ये एक सौ, ये आएगा वाई बराबर कितना एक सौ सत्तर, ठीक है, अब मैं लिखूँगा वाई का मान, वाई का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, तो ये कौन सी अपनी इक्वेशन नंबर एक ये है, तो यहाँ पर एक्स प्लस दो गुणा एक सौ सत्तर माइनस के दस बराबर जीरो, ठीक है, तो एक्स प्लस के जाएगा तीन सौ, तीन सौ देखिए इसका सत्तर दो चौंतीस जाएगा तीन सौ चालीस, तीन सौ चालीस माइनस के दस बराबर जीरो, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ पर कितना बच जाएगा तीन सौ तीस, एक्स बराबर तीन सौ तीस, वो भी किसके माइनस के, ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने गलती कर चुके हैं, कहाँ गलती करिए, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा समीकरण नंबर एक में तीन से गुणा करने पर, तो देखिए मित्रों एक ये है, तो तीन दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर छः हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा छः, यहाँ पर कितना हो गया ये छः हो जाएगा, ठीक है, अब जैसे जब दो से तीन से करेंगे तो तीस, ये तीस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये तीस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये छः है, यहाँ पर कितना ये छः है, कितना ये छः, जब यहाँ पर दो वाई बच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का दो वाई बच जाएगा, किसका प्लस का दो वाई बच गया, अब यहाँ पर जब यहाँ पर तीन सौ तीस बच जाएंगे, कितना बच जाएंगे तीन सौ तीस, ठीक है, क्योंकि तीन सौ साठ में से जब तीन सौ तीस निकालोगे, सॉरी तीस निकालोगे, तीन सौ तीस बच गए, ठीक है, अब मैं इसे दो से काट देता हूँ, इस दो से तो कितने बार कटेगा, दो ही का ना दो और दो छंग बारह, दो पंजे दस, वो भी कितने बार माइनस के, ठीक है, माइनस के एक सौ पैंसठ एक में रखने पर, तो एक क्या अपनी क्वेश्चन यही है, तो एक में रख लेंगे, तो एक्स तो वाई के स्थान पर रखना दो, तो अपना वैसे ही है दो, ये वाला तो यहाँ पर रखना एक सौ पैंसठ माइनस के एक सौ पैंसठ, माइनस का एक सौ पैंसठ, ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस के तीन सौ तीस और माइनस के दस बराबर जीरो, तो एक्स माइनस के कितना तीन सौ चालीस बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना आएगा तीन सौ चालीस, ठीक है, तो हमें दिया है, दिया है तो लैम्डा बराबर क्या रखा, देखिए लैम्डा वो एक्स वाई बराबर, वाई बराबर रखा लैम्डा एक्स प्लस के, लैम्डा एक्स प्लस के कितना रखा, देखिए लैम्डा एक्स प्लस के पाँच रखा, ठीक है, तो वाई के स्थान पर देखिए कितना माइनस के एक सौ पैंसठ बराबर लैम्डा और गुणा गुणा ये, ठीक है, यहाँ पर कितना तीन सौ चालीस प्लस के पाँच, ठीक है, तीन सौ चालीस, देखिए x बराबर कितना तीन सौ चालीस, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस के एक सौ पैंसठ माइनस के पाँच, क्योंकि ये प्लस में जाकर माइनस का हो गया और यहाँ पे लैम्डा गुणा तीन सौ चालीस, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस के एक सौ कितना हो गया, देखिए साठ, वो एक सौ सत्तर हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का एक सौ सत्तर और बटे कितना तीन सौ चालीस बराबर लैम्डा, ठीक है, तो जीरो से जीरो गया, ठीक है, और सत्तर दुनिया तो यहाँ पर लैम, यहाँ पर माइनस का एक बटे दो लैम्डा बराबर, ठीक है, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया माइनस के एक सौ, तो यहाँ पर देखिए लैम्डा बराबर कितना आ चुका है, लैम्डा बराबर
लैम्डा बराबर, यहाँ पे देखिए इससे 170 से 340 कितने बारी में कटा, दो बारी में, तो माइनस के 1/2 आएगा लैम्डा बराबर। ठीक है, और चलते हैं अगले खंड पर। देखिए एक बार पढ़ लीजिए, आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। देखिए कह रहा किसी त्रिभुज के कोण एक्स कॉमा वाई और 40 हैं, तो दोनों कोणों एक्स और वाई का अंतर इतना 30 है, तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, मैं हल डाल देता हूँ, यहाँ पर सोल्व डाल देता हूँ, एस ओ एस सोल्व। ठीक है, सोल्व तो मैंने यहाँ से मान लिया लेट। ठीक है, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज के दोनों कोणों का समकोण त्रिभुज के कोणों का योग कितना, 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण दे रखे हैं त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के कोण दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के कोण एक्स कोमा वाई कोमा ये दे रखे हैं। ठीक है, मैं लिखूँगा यहाँ पर क्या, मैं लिखूँगा दिया है, दिया है, तो लेट नहीं लिखूँगा, दिया है करके क्या दे रखा हमने, एक्स प्लस के वाई प्लस के 40 बराबर कितना, 180। ठीक, क्योंकि हमें पते हैं त्रिभुज के दो कोणों तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण नंबर कितना हो गया अपना ये, या इस समीकरण मत मानो अभी, एक्स प्लस के वाई बराबर कितना, 180 माइनस के 40। ठीक है, प्लस का उधर माइनस हो गया, तो एक्स प्लस के वाई बराबर 140, समीकरण नंबर कितना हो गया, एक। ठीक है, तो फिर ये क्या कह रहा है, देखिए इसके आगे ये कह रहा है हमसे दोनों कोणों का अंतर, मैं यहाँ पर दिया है डाल देता हूँ, दिया है दोनों कोणों का अंतर, अंतर क्या दे रखा, इसने दे रखा 30 है, तब तो यहाँ से हमने दोनों कोणों का अंतर क्या दे रखा 30 है, तो यहाँ पे दोनों कोणों का मतलब x और y का जो अंतर दे रखा 30 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x माइनस के y बराबर कितना 30। ठीक है, समीकरण नंबर हो जाएगी अपनी दूसरी ये वाली। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा, ये लिखा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सेम आ रहा, तो मैं लिखूँगा समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए एक क्या आपने, ये x प्लस के y बराबर कितना 140 और x माइनस के y बराबर कितना 30, तो यहाँ से देखिए मैं जोड़ूंगा, तो जोड़ने पर कुछ नहीं होता, कट जाएगा, ये 2x बराबर कितना आएगा 170 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना जाएगा, इससे काट देंगे 2 8 16 और 2 5 10। ठीक है, x बराबर आएगा, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो एक क्या आपने ये है, ठीक है, तो 1 में रख देंगे, देखिए 1 में जब हम रखेंगे तो देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर एक अपनी ये है, तो इसमें मैं रख देता हूँ, देखिए एक्स के स्थान पर कितना 85 प्लस के वाई बराबर कितना 140। ठीक है, तो वाई बराबर 140 और ये उधर जाएगा माइनस के 85, तो यहाँ पर वाई बराबर कितना बच जाएगा, 55 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 140 में जब तुम कितना घटाओगे, 85 घटाओगे, तो यहाँ पर 5 और एक से दे दिया, तो यहाँ पर कितना 3, तो 13 में से जब कहते 5 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 55। ठीक है, प्रथम कोण ये जाएगा, दूसरा कोण तुम्हारा हो जाएगा, और एक कौन सा दिया ही है। ठीक है, यदि मित्रों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।